Hello, assalamu alaikum. This is Ahmed Saeed and you are watching JTP. आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशनल इंस्पायरेशनल स्टोरी सुनाऊंगा। वो क्या कहते हैं, आपने ज़रूर ये सुना होगा कि कुछ लोग हार के भी जीत जाया करते हैं। तो ये स्टोरी एक ऐसे ही बंदे के बारे में है जो कि इंटरनेशनली जाना पहचाना जाता है और आज आप उसको मेरी ज़ुबानी जानेंगे। ये बात है 1992 की, जब समर ओलंपिक्स बार्सिलोना में हुए, जिसमें एक नौजवान एथलीट ने 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने का मुसम्मम इरादा किया। ये नौजवान अपने मुल्क का सबसे तेज रफ्तार एथलीट था। उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप और यूरोपियन चैंपियनशिप के 400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल पहले ही से अपने नाम कर रखे थे। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ये नौजवान है डेरेक रेडमॉन्ड, जिसका तलक ग्रेट ब्रिटेन से था। डेरेक ने क्वार्टर फाइनल तक अपनी कामयाबी के खूब झंडे गाड़ लिए। यूं उसके चाहने वालों का मुकम्मल यकीन और भरोसा बन गया था कि डेरेक गोल्ड मेडल बआसानी जीत लेगा और अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा। सामीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि डेरेक सेमीफाइनल जीत नहीं सका, लेकिन फिर भी 400 मीटर की इस दौड़ को ओलंपिक्स की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या वजह थी जिसने डेरेक की 400 मीटर दौड़ को तारीख के औराक पे नक्श कर दिया। आइए जानते हैं, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तमाम खिलाड़ी अपनी स्टार्टिंग लाइन पर खड़े अंपायर के इशारे के मुंतजिर थे। आज सेमीफाइनल खेला जाने वाला था। जैसे ही अंपायर ने खास पिस्तौल से फायर किया तो और यूं एक शख्स हार के भी जीत गए। शायद इतनी पजीराई उस रेस के दौरान जो आदमी गोल्ड मेडल जीतने वाला था उसको भी न मिली। आखिर पे ये शेर मुझे याद आ गया कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन हु इज वाचिंग एंड लिसनिंग मी, इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि इंसान को किसी भी तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और स्पेशली जो स्टूडेंट होते हैं उन्होंने बहुत जब कड़ाके वाली मेहनत की होती है तो वो ये समझते हैं कि अब पेपर में 80-90% मार्क्स कन्फर्म है, लेकिन समटाइम्स पेपर ऐसा आ जाता है जिसमें आपका जो आपने जो टारगेट सेलेक्ट किया होता है वो आपको नहीं मिलता। और इस स्टोरी से आपको यही लेसन मिलता है कि आप कभी भी हिम्मत ना हारें, हौसला ना हारें। यकीनन जो लोग हिम्मत और हौसला नहीं हारते हैं तो उनकी तरफ खुदा की मदद बिल्कुल ज़रूर पहुंचती है और वो अपनी मंजिल को ज़रूर हासिल करते हैं। हो सकता है कि आपको आपका टारगेट ना मिले, लेकिन यकीन जानिए अल्लाह ताला ने कुछ अलहदा ही प्लान किया होता है और अल्लाह ताला आपको उस टारगेट से हट कर जब कोई चीज़ देता है तो उसमें आपके लिए ज़्यादा हिकमत और आपके लिए ज़्यादा इज्जत रखी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। स्टे इन टच, थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर लाल बटन को दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली मोटिवेशनल स्टोरीज मिलती रहें। ओके, साइनिंग आउट, अहमद सईद। अल्लाह हाफिज़।